आज हम आपको भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। वो वैसे तो बहुत फेमस टेनिस स्टार हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में आपको एक अंदर की बात बताते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने ये खुलासा किया है कि बचपन में एक बार उन्हें रंग सांवला होने की बात कहकर टेनिस खेलने से रोका गया था। सानिया ने ये बताया कि उन्हें ये कहते हुए खेलने से रोका गया था कि अगर वो बाहर खेलेगी तो उनका रंग सांवला पड़ जाएगा और कोई उनसे शादी नहीं करेगा। सानिया ने विश्व आर्थिक मंच में महिलाओं और नेतृत्व क्षमता पर पैनल में चर्चा के दौरान ये बताया कि उन्होंने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया और वो आज यहाँ तक पहुँची हैं। उनके नाम 3 महिला युगल और इतने ही मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब है। वो भारत की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी हैं और WTA एकल सूची में 2007 के मध्य में करियर की सर्वश्रेष्ठ 27वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। इस हैदराबादी के नाम 41 WTL युगल खिताब हैं और 2015 में तो वो महिला युगल में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी भी बनी थी। सानिया 32 साल की है और उन्होंने कहा कि शुरुआत करूं तो सबसे पहले माता पिता, पड़ोसियों, आंटियों और अंकल को ये कहना बंद करना होगा कि आप सांवली हो जाओगी और अगर तुम खेलोगी तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैं जब 8 साल की थी जब मुझे ये कहा गया था, हर किसी को लगता था कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं सांवली हो जाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं बच्ची ही हूँ और सब ठीक होगा। उन्होंने कहा, लोगों के दिमाग में ये इतना भरा हुआ है कि लड़कियों को खूबसूरत बने रहना चाहिए। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, इस संस्कृति को बदलना चाहिए। सानिया ने कहा, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने महिलाओं को खेल अपनाने में शायद थोड़ी सी भूमिका अदा की है और मैं जिस महिला खिलाड़ी से प्रेरणा ले सकती थी तब वो PT उषा थी और आज सानिया मिर्ज़ा खुद महिलाओं के लिए खेल के क्षेत्र में एक प्रेरणा बन चुकी हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.